नमस्कार, मैं उम्मीद। आज 29 सितंबर, चलिए जानते हैं यूपी के 25 बड़ी खबरों को। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आरोपियों की तस्वीर चौक चौराहों पर सार्वजनिक करने के प्रस्ताव रखे थे, इसी बीच सांसद अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में समाजवादी युवा जन सभा ने आजमगढ़ शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर पोस्टर लगाया। इस पोस्टर में भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जो कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के घेरे में रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने सभी पोस्टरों को हटा दिया है और मामले में FIR दर्ज कर जांच में जुटी है। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे लोगों ने शहर के कलेक्ट्रेट चौराहे के आसपास नेताओं की यौन उत्पीड़न के पोस्टर को चिपका देखा। पोस्टर में सबसे ऊपर लिखा है मुख्यमंत्री के आदेश पर चौक चौराहों पर लगा बलात्कारियों का फोटो और सबसे नीचे लिखा है लालजीत क्रांतिकारी समाजवादी युवा जन सभा उत्तर प्रदेश आजमगढ़। बीच में कई भाजपा नेताओं के साथ ही बाबा राम रहीम की फोटो लगाई गई है। बच्चों को कीड़े मारने की दवा खिलाने का अभियान आज से शुरू हो गया है। आशा, ANM और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर पेट के कीड़े मारने की दवा दिला रहे हैं। यह अभियान 7 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग संयुक्त रूप से प्रयासरत हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के RBS के नोडल राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के तहत करीब 9 लाख बच्चों को दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के कारण आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल आदि बंद चल रहे हैं, इसलिए इस बार आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मदद से 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को कीड़े की दवा घर घर जाकर खिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी अभिभावक को यह टेबलेट रखने या बाद में खिलाने के लिए नहीं देनी है, यह दवा आशा या आंगनबाड़ी के सामने ही बच्चों को खिलानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद लखनऊ, कानपुर नगर व मेरठ में कोरोना के संबंध में विशेष रणनीति बनाकर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग और सर्विलांस जितना सुदृढ़ होगा, कोरोना के प्रसार को रोकने में उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन, टेस्टिंग और सर्विलांस आदि के संबंध में लगातार फीडबैक लेते हुए उचित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं आती, तब तक सतर्कता व बचाव ही एकमात्र उपाय है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में काफी कमी आई है, यह एक अच्छा संकेत है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की कोरोना के प्रति अपनाई गई रणनीति कारगर रही है। कोरोना नियंत्रण संबंधी कार्य सक्रियता के साथ निरंतर जारी रखे जाएं। बड़गांव में भारतीय किसान संगठन का कृषि बिल के विरोध में चल रहा धरना सोमवार को महापंचायत में बदल गया। इस महापंचायत में आसपास के जिलों के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया, जिन्होंने साफ कह दिया कि जिस तरीके से किसानों के ऊपर यह काला बिल थोपा जा रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों ने इस बिल को काला बिल बताया और भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि जब तक यह काला बिल वापस नहीं होगा, तब तक किसान किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। महापंचायत को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ जिले के आला अधिकारी भी अपनी नजर बनाए हुए थे, लेकिन किसानों का यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से बीता। यूपी चुनाव पंचायत के मॉडल को आयोग ने अभी नहीं अपनाया है, लेकिन गांव में स्मार्ट वोटिंग से प्रधान चुने जा रहे हैं। अभी पंचायतों का आरक्षण होना बाकी है, प्रत्याशियों की प्रत्यक्षता भी होनी है, लेकिन असली चुनाव की तैयारी से पहले गांव में स्मार्ट मीटर से प्रत्याशियों की तैयारी मापी जा रही है। दरअसल मॉक पोल के नाम पर गांव में मोबाइल पर स्मार्ट पोलिंग खूब लोकप्रिय हो रहा है। ग्राम पंचायतों में एक मोबाइल ऐप के लिंक के जरिए प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर है। मतदान बकायदा उन्हें एक क्लिक के जरिए अपना वोट देते हैं, जिससे पता चल सके कि कौन प्रत्याशी कितने पानी में है। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सोमवार की दोपहर दो जगह बच्चों ने अपना कारनामा दिखाते हुए महिला समेत एक व्यापारी का बैग साफ कर दिया। महिला से बच्चे ने करीब 2 लाख रुपए का सामान साफ कर ले गए, जबकि व्यापारी का खाली बैग ही उनके हाथ लगा। शहर के नारायणपुर मोहल्ले में स्थित ठाकुर ज्वेलर्स पर श्रीमती आरती देवी पत्नी ब्रिजेश वाजपेयी निवासी ग्राम भंडारीपुर अपने जेवरात को दुरुस्त कराए जाने के लिए आई हुई थी। जब वह दुकान पर पहुंची तो उनके साथ एक बच्चा भी पीछे आ गया और उनके पड़ोस में बैठ गया। महिला द्वारा जेवरों को सुनार को दिखाए जाने लगी, तभी मौका पाकर बच्चे ने उनके पर्स में रखा छोटा पर्स चोरी कर लिया और बच्चा वहां से चला गया। श्री कृष्ण विराजमान की ओर से श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर सिविल कोर्ट में दायर की गई याचिका पर अदालत 30 सितंबर को सुनवाई करेगी। वकील हरिशंकर जैन ने बताया कि उनकी पटिशन पर 30 सितंबर को तारीख मिली है। 30 सितंबर को अदालत को यह तय करना है कि इस याचिका को स्वीकार किया जाए या नहीं। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मस्थान पर 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक को लेकर याचिका दायर की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नित नए आयाम तय कर रही है। पूरे देश में जब भी पुरस्कारों की बात आती है तो कई मामलों में उसे पुरस्कार मिलते रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में वैश्विक महामारी कोरोना के संकट के दौरान गरीब कल्याण रोजगार योजना में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कीर्तिमान रचा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। योजना देश के 116 जिलों में चल रही थी।
यूपी को पहले पुरस्कार के साथ ही प्रयागराज जिले को भी देश में अव्वल रहने पर प्रथम पुरस्कार मिला है। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के बावजूद जनता इस महामारी से बेफिक्र नजर आ रही है। सोमवार को नियम तोड़ने वालों से निपटने के लिए जिले की पुलिस सड़कों पर उतर पड़ी। इस दौरान हर चौराहे पर चेकिंग करते हुए पुलिस ने मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों का चालान काटते हुए उनसे 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया। नियम तोड़ने वालों को सभ्य तरीके से भी समझाया गया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर सोमवार को सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पहले तो पुलिस कर्मियों ने मास्क न पहनने वालों और कोरोना महामारी के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को सभ्यता के साथ समझाते हुए उन्हें उनकी सेहत का हवाला देकर मास्क पहनने की नसीहत दी। इसके बाद उन्हें सबक सिखाने के उद्देश्य से नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से 500 रुपए के चालान भी काटे गए। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान बिल के विरोध और प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध समेत कई तरह के आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। जगह जगह से कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी जीपीओ की ओर बढ़े, जिनको परिवर्तन चौक के पास ही रोक लिया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने कहा कि 5000 कार्यकर्ता पुलिस ने हिरासत में ले लिए हैं। हमारे जिलों में भी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। दमनकारी नीति चल रही है, यह भारत में पूरी तरह कृषि को खत्म कर देगी। दोस्तों, आपका आज का सवाल है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।